बेटा पास हुए, रैंक आया, बढ़िया हुआ, जॉब निकली, सब पूछेंगे। कौन पूछता है फेल हुए बच्चे को? कोई नहीं पूछता। और आप इस कड़वे सच को नहीं इग्नोर कर सकते, ना मैं कर सकता हूं बेटा, कोई नहीं कर सकता। आप बताओ कौन कर लेगा, बताओ कौन कर लेगा। अरे फेलियर्स को कौन पूछता है भाई? यार ना पूछना चाहिए, नहीं पूछ, क्यों पूछे फेलियर्स को? अरे पहले पास तो हो, कुछ कर तो सही, तभी ना पूछेंगे। समझ में आई बच्चे बात? पहले कुछ अचीव तो करो, पहले कुछ बनो तो सही। मुझे करीब 10 साल से भी ज्यादा हो गया टीचिंग लाइन में, 12 साल करीब करीब मेरे को हो चुका है बेटा। मुझे 12 साल अपनी जिंदगी के लगाने पड़ गए, तब तुम्हारे कानों में नाम गया जयदीप सर से पढ़ ले, अच्छा पढ़ाते। तो आप भी तो हो ना प्रैक्टिकल, जब तक आपने भी नाम सुन नहीं सुना, आपने कहां एडमिशन लिया? दिमाग दौड़ा रहे हो बेटा? आपने भी तो नहीं लिया ना जयदीप सर का नाम, किसी ने भी नहीं लिया ना, तो मैं आपका क्यों लूं? बनो तो सही। ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगे कि अपने आप को प्रूव करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर सिर्फ पास हुए वाले बच्चों की क्यों बात होती है? वो जो बेचारे फेल हो गए, बेचारे फेल हो गए, वो बेचारे थे तो फिर फेल क्यों हो गए? अरे मेहनत में कमी रही होगी ना। बहुत कम ऐसा बच्चा होता है बेटा जो बेचारा मेहनत भी करता है फेल होता है, बहुत कम। क्योंकि भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मेहनत करोगे 100% निकलेगा। ये नहीं लोग रोगे, सर मैंने खूब पढ़ाई की, सर नहीं निकला पेपर, इम्पॉसिबल है। खूब पढ़ाई की होती तो पेपर निकलता, मॉक टेस्ट में नहीं पहले पता चल जाता। जो बच्चा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर रहा, वो पेपर में क्या खाक स्कोर करेगा? और मॉक टेस्ट में क्यों स्कोर नहीं कर रहा? पक्का उसके रिविजन में, पक्का उसके प्रैक्टिस में कमी रह गई। नहीं किया उसने रिविजन, नहीं किया उसने प्रैक्टिस, नहीं किया उसने उसने मेहनत जितनी जरूरत थी। समझे मेरी बातों का? बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है आपको बुरी लग जाए बेटा, क्योंकि सच है, कई बार सच्ची बात कड़वी लग जाती। तो इस बात को याद रखिएगा कि 100% मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना, ठीक है? चलो आओ।